भारत और जर्मनी के बीच सातवें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के अवसर पर आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। एक्सेलेंसी, ये आपकी तीसरी भारत यात्रा है और सौभाग्य से ये मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग है। एक प्रकार से ये हमारी मित्रता का ट्रिपल सेलिब्रेशन है। एक्सेलेंसी, 2022 में बर्लिन में हुई पिछली आईजीसी के दौरान हमने द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। दो सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। एक्सेलेंसी, विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजेक्शनल रिलेशन नहीं है। यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर, सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। इस संबंध में पिछले हफ्ते आपने जो फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी जारी की है, उसका स्वागत है। एक्सेलेंसी, मुझे खुशी है कि अपनी पार्टनरशिप को एक्सपांड और एलिवेट करने के लिए हम कई नए और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव ले रहे हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट से होल ऑफ नेशन की अप्रोच की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और युवा टैलेंटेड को जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आज रोडमैप ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जारी किया जा रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन और सुदृढ़ बनेगा। अभी हमने जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कुछ देर में हम सीईओज फोरम में भी भाग लेंगे। इससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डाइवर्सिफाई करने और डी रिस्क करने के प्रयासों में भी गति आएगी और सिक्योर, रिलायबल और ट्रस्टेड सप्लाई वैल्यू चेन खड़ी करने में मदद मिलेगी। क्लाइमेट के विषय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हमने ग्लोबल स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश पर उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है और आज ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप भी जारी किया है। हमें खुशी है कि भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी पर काम चल रहा है। जर्मनी द्वारा जारी की गई स्किल लेबर मोबिलिटी स्ट्रेटेजी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज की ये मीटिंग हमारी पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।